साथ ही कई सारे डेटा पॉइंट्स भी आ रहे हैं, कई सारे ट्रिगर्स भी हैं और ग्लोबल चुनौतियों के कारण भारतीय इकोनॉमी के लिए जोखिम आने वाले दिनों में दिख सकता है, ये कहना है IMF इंडिया के प्रमुख का। उनका ये कहना है कि महंगाई और ग्रोथ में तालमेल बिठाना जो है वो मुश्किल हो रहा है। इसके मायने कितने समझे जाएं? देखिए, IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO, इन सब की कमेंट्री को हमें पिंच ऑफ सॉल्ट की तरफ लेना चाहिए। ये लोग हमेशा स्केप्टिकल रहते हैं, ये कोई बहुत बुलिश कमेंट्री कभी करते नहीं है, तो इस पे ज्यादा ध्यान देना मेरे हिसाब से कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते जाएंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आएगा, तो उसका असर ग्रोथ पे जरूर होगा। ऑलरेडी 2% इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, जो कि काफी है। 2% इंटरेस्ट रेट बढ़ना 5-6 महीने में, उसका असर ऑलरेडी दिखना शुरू हो जाएगा इकोनॉमी पे। और यहाँ से अगर ज्यादा बढ़त आएगी इंटरेस्ट रेट्स में, तो यहाँ से इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट काफी ज्यादा खराब होता जाएगा। तो होपफुली इन्फ्लेशन का यहाँ से ज्यादा स्पाइक नहीं आएगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, यही हमें उम्मीद करनी चाहिए।